हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं अभी एक छोटी सी बोट में बैठा हुआ हूं और इस बोट में अभी मेरे को बहुत डर लग रहा है। और ये बोट जो है ये एक पानी में है, तालाब में है। और यहां मैं क्यों आया हूं मैं आपको बता देता हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि इस तालाब में हो रहे हैं सिंगाड़े। और आज मैं दिखाने वाला हूं आपको कि सिंगाड़े की खेती कैसे होती है और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखिए कि सिंगाड़ा होता कैसे है आखिर। और मेरे साथ हैं यहां पर जिनके ये सिंगाड़े हो रखे हैं, जिनका यहां पर ये तालाब है, और मैं इनसे जानना चाहूंगा। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। मनोज भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदगढ़ रहने वाले हैं। ये अहमदगढ़ कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर पास, जिला बुलंदशहर में। तो मनोज भाई, सिंगाड़े का ये जो अभी तालाब है ये आपका ही है? हाँ जी, हमारा है। ये कितने बीघे में बना हुआ है? 10 बीघे में। 10 बीघे में। तो ये जो सिंगाड़ा हो रहा है मनोज भाई आपके तालाब में, कौन सा सिंगाड़ा है? देसी सिंगाड़ा है ये। देसी सिंगाड़ा है ये, जो मीठा निकलता है वही वाला? हाँ, मीठा निकलता है, सिंगाड़ा के मीठा निकलेगा। तो अभी हम जिस तालाब में बैठे हुए हैं, अभी आप इसमें ऐसे ही तुड़ाई करते हैं बोट के द्वारा या कैसे करते हैं? बोट के द्वारा तुड़ाई करते हैं। बोट के द्वारा करते हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे तो इसमें बैठे हुए बहुत डर लग रहा है। कि आप नए आदमी, हम चलते रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है नीचे? गहराई कम से कम 6 फुट। 6 फुट गहराई है, तो लगभग यानी कि मैं तो डूब ही जाऊंगा। हाँ जी। अगर गिर गई बोट तो बचा लोगे क्या? नहीं बचा लेंगे, क्यों नहीं बचाएंगे? बचा लेंगे। चलो धन्यवाद दोस्तों। आइए हम इनसे जानते हैं अब सिंगाड़े के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि सिंगाड़ा होता कैसे। एक बार आप मुझे यहाँ निकाल के दिखाइए दोस्तों। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में अभी पूरी इसकी बेल है। ये इसे हम बेल ही तो कहेंगे, सिंगाड़े की बेल। इस पे गाना भी तो है, वो एक बेल सिंगाड़े की वो दोस्तों गाना इसी पे ही है। यही है वो सिंगाड़े की बेल। देखिए काफ़ी लंबी है ये, और मेरे हाथ में आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे यहाँ सिंगाड़ा है, और मैं इसे तोड़ना चाहूँगा, अभी तोड़ के दिखाऊंगा। और इसमें देखिए एक नहीं दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे सिंगाड़े हैं। इस पूरे उसमें करीब 5-6 सिंगाड़े लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे टूट के गिर गया है सिंगाड़ा इस तरफ। ये रहा, देख रहे होंगे आप, अगर वहाँ मैं आपको दिख रहा हो तो ये सिंगाड़ा है यहाँ पे मेरे हाथ में है। और बाकी मैं इसमें कलेक्ट कर ले रहा हूँ अपनी बोट में ही, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। दोस्तों आइए इनसे जानते हैं और बाकी जानकारी। तो मनोज जी, ये जो सिंगाड़े इसमें आपने डाले थे, ये कब डाले थे? इसकी खेती कितने महीने की होती है? ये सिंगाड़े पलते हैं मार्च में। मार्च में ये सिंगाड़ा इसे पकाएंगे, इसको जी पका पानी डालेंगे इसको जी। जब किला फोड़ेगा तब जुलाई में आगे पड़ेगा बेल पड़ेगी इसकी। अच्छा, मार्च के महीने पड़ जाएगा और जुलाई में इसकी बेल बन जाएगी ऐसी। आप इसको मार्च के महीने में मतलब तैयार करते हैं इसे बीज के तौर? हाँ। और फिर इसे आप जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, यानी कि 2 महीने में ये तैयार होता है, और तीसरे महीने में जाके आप इसको पानी में डालते हैं। पानी में डालते हैं। हाँ। पानी में डालने के बाद में कितने महीने में ये फल इसका तैयार हो जाता है? 10वें महीने फल तैयार होता है। 10वें महीने में फल तैयार हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो यानी कि आपका ये लगभग पूरा 1 साल का खेती होगी एक तरीके से देखा जाए तो? नहीं, 1 साल ही नहीं होती है। आप बता रहे हो 10 महीने में तैयार होता है, तो ये पालनी पड़ती है। मैं सिंगाड़े में निकलता है तो 2 महीने चलता है इसका। अच्छा, 2 महीने फसल चलेगी, फसल सिंगाड़ी के। हाँ हाँ, जो तोड़ते हैं 2 महीने चलेगा उसका। एक बार जैसे आपने इस बेल पे से सिंगाड़ा तोड़ लिया। हाँ। तो इस पे अब दोबारा आएगा? आएगा, ये सिंगाड़ा छोड़ रहा है ये। हाँ, ये भी सिंगाड़ा फूल जाएगा दवा के अंदर। अच्छा, इसमें दवा भी लगती है? दवा लगती है इसके अंदर भी। दवा काहे की लगाते हैं आप? DAP लगेगी, खाद लगेगा, जहर लगेगा, सब तरह दवा लगती है इसके अंदर। पानी में भी DAP और यूरिया वगैरह आप सब लगाते हैं? लगता है इसके अंदर। अच्छा जी, और इसमें कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं? नहीं, कीड़े लगते हैं। कीड़े लगते हैं? हाँ जी। तो उसके लिए मारते हैं, जहर मारते हैं, कीटनाशक दवाएं लगाते हैं। हाँ, उसके लिए जहर मारते हैं हम। अच्छा, तो अभी आपका मार्केट में क्या रेट चल रहा है सिंगाड़े का? आप कितना मतलब निकाल देते हैं पर डे? तो पर डे बोरी तो कोई जा रही है 1500 रुपये जा रही है, 600 रुपये जा रही है फिलहाल। 600 रुपये बोरी। एक बोरी में वजन कितना होता है? 70 किलो वजन है। 70 किलो वजन है। तो ये आपका कितने रेट पड़ गया, यानी कि लगभग लगभग 10 रुपये किलो का? 10 रुपये किलो का औसत आपका मंडी का आ रहा है। अच्छा, तो दोस्तों अभी आपके यहाँ पर किस रेट में सिंगाड़े मिल रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं यहाँ पानी में हूँ,
और इनसे इसके बारे में जितनी भी जानकारी है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और बने रहें। मनोज भाई, मेरा आपसे एक सवाल और था कि आप जो ये हम इसमें सिंगाड़े में ये जो बेल डाल रखी है, इस बेल को ये अपने आप ख़त्म भी हो जाएगी या इसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा बाद में? अपने आप से ख़त्म हो जाएगी, ठंड के महीने अपने आप हो जाएगी, खत्म गल जाएगी। तो आपका, अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ औसतन की, अगर एक बीघा हमने सिंगाड़ा करा तो उसमें लगभग कितना सिंगाड़ा टूट जाएगा? कम से कम टूटेगा छः बार टूटेगा। एक बार में कितना, लगभग एक बीघे में कितना वजन निकल आता है, कितने कुंटल? एक कुंटल नहीं, बोरी निकलती है उसमें, एक बीघे में 8-9 बोरी निकलती हैं। 8-9 बोरी निकलती हैं, आप बता रहे हो 70 किलो वजन होता है, 8-9 बोरी निकलती है, तो लगभग 5 कुंटल 5-6 कुंटल वजन मान चलो, 5-6 कुंटल वजन मान के चलो। हाँ जी। अच्छा, तो इसे करने से फ़ायदा है किसान भाइयों को? भाई किसानी मजदूरी करना पड़ता है, फायदा भी थोड़ा बहुत, इससे फायदा है इसके अंदर, बचाता है थोड़ा बहुत। तो अब ये जो आपका तालाब है, गड्ढा है, ये आपका खेत है जो आपने इसके लिए तैयार कर रखा है, अभी आप सिंगाड़ा कर रहे हो, सिंगाड़ा टूट जाएगा, उसके बाद आप इसमें क्या करोगे? धान करेंगे इसमें, मूंजी, केवल धान? हाँ जी। आप 6 फुट नीचे गड्ढा बता रहे हो, उसमें ज़मीन जो है 6 फुट नीचे है, तो उसमें फिर धान करेंगे आप? हाँ जी। धान की पैदावार तो अच्छी होती होगी? धान की पैदावार अच्छी होती है। अच्छा, तो या फिर इसमें मछलियाँ वगैरह भी कर देते हो आप, पाल लेते हो? फिशिंग वगैरह, फिशिंग फार्मिंग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं होता ऐसा, केवल आप सिंगाड़ा और धान बस, केवल दो ही आप, दो ही फसल कर रहे हो इस पूरी आप भूमि में। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार पूरा दिखा दें उधर से इस व्यू को, कि ये 10 बीघे का पूरा तालाब है जिसमें सिंगाड़े हो रखे हैं, और दोस्तों पूरा का पूरा इसमें केवल दो ही खेती लेते हैं मनोज भाई, सिंगाड़ा करते हैं और इसके अलावा इसमें केवल धान करते हैं, ये दो फसल लेते हैं और दो फसल ही इनके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इनका खेत काफ़ी गड्ढे में है। ये गड्ढे में था पहले से या फिर आपने खुदवाया है इसको, तालाब बनवाया है? गड्ढे में था पहले, ये पहले से ही गड्ढे में था? गड्ढे में था पहले से। अच्छा, तो अच्छा, आपके अलावा यहाँ पे मैं देखता हुआ आया था, तो यहाँ पे जितने भी आसपास ये खेत हैं सारे के सारे सिंगाड़े के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग? जी, सब सिंगाड़े करते हैं इसके अंदर, जितने भी लोग हैं सब सिंगाड़े करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पूरा अहमदगढ़ सिंगाड़ा ही कर रहा है? टोटल अहमदगढ़ सिंगाड़ा करता है, कम से 8-9 हज़ार बीघे सिंगाड़ी होती है। 8-9 हज़ार बीघे के सिंगाड़े? जी। अच्छा, तो ये तो फिर तो सिंगाड़ा शहर कहलाना चाहिए। हाँ, खेती बहुत बड़ी है सिंगाड़े की। अच्छा, तो आइए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये बोट चलाकर भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ ट्राई करता हूँ, और इसे कैसे चलाएंगे एक बार मुझे बताइए ज़रा। जैसे कि हम है ना स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं उस तरीके से? चलाओ चलाओ। दोस्तों यहाँ मैं तालाब में हूँ, अब ये पानी तो थोड़ा गंदा है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है, हो रहा है। अच्छा, ये मुझे बेल आगे से हटानी पड़ेगी, जब मैं लेफ्ट हैंड चलाऊँगा तो ये राइट साइड में घूमेगी और जब मैं राइट चलाऊँगा तो ये लेफ्ट साइड में घूमेगी, कुछ इस तरीके से ये चल रही है। और इसमें अच्छा पानी बहुत ठंडा है, इसमें नीचे एकदम शील्ड हो रहा है, और ये देखिए इसमें ये सब बेल है सिंगाड़े की, और देखिए यहाँ पे सिंगाड़े आ रहे हैं, मैं सिंगाड़े तोड़ता हूँ और इसमें डाल रहा हूँ अपनी बोट में, और कोशिश करता हूँ इस तरफ से भी कुछ सिंगाड़े निकालने की। दोस्तों एक एक बेल में बहुत सारे सिंगाड़े हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप है ना कहीं भी जाते हैं, अक्सर मैं कई बार उत्तराखंड की तरफ जाता हूँ, वहाँ भी बोटिंग करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ी छोटी बोट है और इसे पलटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। मनोज भाई आप मेरे पास ही रहना, कहीं मैं इसमें गिर गया तो आप मुझे कम से कम उठा तो लेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ 4-5 सिंगाड़े निकाल लिए हैं और अभी और सिंगाड़े निकालता हूँ। तो इसमें सिंगाड़े जो है आप खुद ही इसमें निकालते हैं या लेबर वगैरह लगाते हैं, कैसे? इसमें लेबर लगती है। अच्छा, लेबर जो है वो पैसे ज़्यादा लेती होगी जब पानी में घुसना पड़ता है इस तरीके से? 150 रुपये बोरी। 150 रुपये बोरी। अच्छा, इसमें जो नीचे जो बेलें हैं जैसे ये निकली अभी, इन ये तो मतलब एक तरीके से जड़ हो गई इसकी, रूट हो गई? हाँ। अच्छा, पेड़ जड़ होती है, ऐसी होती है। अब बेल तुम्हारी ये सिंगाड़ा, सिंगाड़ा जो फल है वो केवल ऊपर ही आएगा, ये जो ऊपर जो तैर रहा है ये सिंगाड़ा है टोटल, है ना? अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कई बार गांव के तालाबों में ऐसी कई सारी बेल हो जाती हैं, उन्हें जलकुंभी वगैरह बोलते हैं, वो अलग होती है, वो अलग चीज़ है। हाँ। दोस्तों देखिए कितना बड़ा सिंगाड़ा है, सिंगाड़े इसमें है ना कितने बड़े बड़े हो जाते हैं आपके यहाँ पे? इतना बड़ा बड़ा सिंगाड़ा हो जाता है? सिंगाड़े उबाल कर खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। सिंगाड़े खाने से कुछ फायदे हैं या वैसे ही है?
फायदे हैं आपको पता है, दो चार फायदे हैं, बहुत फायदे इसके अंदर तो। अच्छा, आपकी जो प्लेट करती है पानी पूछती होती है, किस खाने से होती है? बिल्कुल सही कहा आपने, आप इसी बता दिए। हाँ हाँ, ये लिक्विड का पूरा काम करता है, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा हुआ, तरबूज हुआ, खीरा हुआ, ये सब जली। हाँ बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इस तालाब में से मुझे क्या मिला है। इस तालाब में से मेरे को देखो ये छोटे छोटे शंख मिले हैं, ये जो घोंघा होता है ना, कीड़ा, उसकी इसका ये कवर होता है, कवच होता है, जोंक वगैरह जो होती है। और देखिए ये शंख है, और ये शंख मैं आपको अभी पास से भी दिखाऊंगा, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को देना चाहूँगा यहाँ से, वो उठा के पास से दिखाएं शंख को। और मैं इस शंख के बारे में जानना चाहूँगा मनोज भाई से। मनोज भाई, ये शंख जो है इतना ही बड़ा रहता है, इससे बड़ा भी हो जाता है? इसमें इतना ही बड़ा रहता है, इससे बड़ा नहीं हो पाता? लास्ट इतना बड़ा है वो। हाँ हाँ, उससे बड़ा नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ कि पूरा शंख मिला हो इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। तो इस पानी के अंदर इसका मतलब ये है कि जोंक वगैरह काफी रहते होंगे इसमें, कीड़े मकोड़े? कीड़े रहते हैं, जब जहर मारते हैं, कीटनाशक दवा मारते हैं, उससे सब मर जाते हैं। सब मर जाते हैं। अच्छा, तो अभी है ना, आपकी जो तुड़ाई है वो कितनी कर ली आपने इस 10 बीघे में? कि हमारा पांच बार टूट गया। पांच बार टूट चुका है, छठी बार तोड़ूंगा उसको। और ये लास्ट है या फिर इसके बाद अभी होगा? तोड़ूंगा एक बार। 7 बार टूट जाएंगे? 6 बार। पांच टूट गया, छठी बार तोड़ूंगा, लास्ट कर दूंगा। लास्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फल नहीं आएगा? नहीं, ये से ना बेल पारे से खत्म हो जाएगी। अच्छा, गल जाएगी बेल, ठंडे से पारा पड़ेगा जो। हाँ हाँ, खत्म हो जाएगी बेल। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद फल बनेगा? नहीं। चलिए, तो दोस्तों अभी आपने देखा सिंगाड़े की खेत में, यानी कि तालाब में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे सिंगाड़े भी हैं, और मैं बोट में बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ मनोज भाई हैं, और अब हम बाहर की तरफ निकल के आएंगे किनारे पे, और हम बोट के माध्यम से आएंगे। चलें, आइए बढ़िया, आप भी आ गया साथ साथ मेरे। और ये बड़ा डरावना सीन है दोस्तों, पानी बहुत ठंडा है, और मैं अभी जो फील कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे वाइल्ड क्राफ्ट वाले होते हैं ना, जंगलों में जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं मनोज भाई, और मैं किनारे तक आ चुका हूँ दोस्तों। और आज का वीडियो जो है, जो मेरे लिए तो बड़ा खास रहा है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको देखने के बाद कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। चलिए अब मैं यहाँ से बाहर की तरफ निकलता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरी जो अंदर से सिंगाड़ा की तुड़ाई करी है, और इन्होंने बोरियों में लगा दी है, और ये देखिए कट्टे आप देख रहे होंगे, ये पूरी बड़ी वाली बोरी हैं जो कि इन्होंने पूरी सिंगाड़े से भर रखी हैं, और इनकी हैं लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 15 बोरी हैं इन्होंने बताया है, जिसमें इन्होंने सिंगाड़ा तैयार कर दिया है। आइए मैं इनसे जानता हूँ, भैया ये आप कौन सी मंडी में सिंगाड़ा भेज रहे हैं यहाँ पे? किया जा रहा दिल्ली आयातपुर मंडी। आयातपुर मंडी के लिए? जी। अच्छा, तो ये यहाँ से जो माल जाएगा, ये माल आप भेजोगे, आप ट्रांसपोर्ट वाले खुद लेने आएंगे? ट्रांसपोर्ट का नहीं होता है ये। अच्छा, ये अपनी गाड़ी अपनी ही आड़त है आपकी खुद की? अच्छा, तो ये डेली आपका जा रहा है? डेली जाता है। डेली जाता है तो, और इसके अलावा जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सिंगाड़ा जो है ये बिल्कुल एकदम साफ है आपका, ग्रीन है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, एकदम ताज़ा तो हो गई क्योंकि अभी टूटा है, लेकिन अंदर जहाँ हम तोड़ रहे थे वहाँ काला था बिल्कुल, काफ़ी गंदगी सी थी, है ना? तो ये आपने इतना साफ कैसे कर दिया? ये पानी से धुलता है, वहाँ साफ नहीं होता। हाँ हाँ, छत्ते लगा रहेगा ना। हाँ, तो मिट्टी जो जमी रहती है यहाँ टूट के आया, नाप पे हाथ मारेंगे अपने, ये कपड़ा धोते हैं इससे साफ हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सारा सिंगाड़ा साफ करके तब आप वहाँ भेज रहे हैं एकदम क्लीन करके? जी। देखिए बड़ा ही सुंदर दोस्तों यहाँ पे सिंगाड़े हाथ में देख रहे होंगे भैया के, और काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। और दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं आगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा सिंगाड़े की खेती कैसे होती है, और यहाँ पर कितने सारे सिंगाड़े हैं जो कि दिल्ली भेजे जाते हैं आज़ादपुर मंडी के लिए, जो आप तक पहुँचते हैं अलग अलग माध्यमों से। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें मेरे साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो में नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।